भोपाल में किसान परिवार ने प्रशासनिक अधिकारियों और बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर इसकी शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर अविनाश लवानिया से की है। इस दौरान किसान ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बिल्डर ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू कर दिया। किसान ने बताया कि सीलिंग से जमीन छुड़वाने के लिए उसने सालों कोर्ट के चक्कर काटे, लेकिन उस जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण कर उसे बिल्डर को दे दिया गया और अब किसान को परेशान किया जा रहा है। जनसुनवाई के दौरान पीड़ित किसान सदाराम ने कलेक्टर को आवेदन देकर बताया कि बैरागढ़ चीचली में आरआई और पटवारियों ने बिल्डर से मिलीभगत कर उनकी 5 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से आर के लालवानी के नाम पर नामांतरण कर दी है। किसान ने बताया कि उनकी जमीन सीलिंग में थी, जिसको उन्होंने वर्षों कोर्ट के चक्कर काट कर छुड़वाया है, लेकिन इस पर अब बिल्डर ने कब्जा कर पक्के कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिए हैं, जबकि चालू वर्ष में खसरे पर किसान का नाम दर्ज है। किसान ने बताया कि वर्ष 2018 में सदाराम के भाई जयराम, राम रतन और सदाराम के नाम जनवरी 2018 सीलिंग की जमीन मुक्त हुई थी, जिसका नामांतरण भी करा दिया गया था। उसके बाद 5 एकड़ 55 डेसिमल का नामांतरण फर्जी तरीके से आर के लालवानी के नाम करा दिया गया। किसान ने पटवारी और आरआई पर घूस मांगने का भी आरोप लगाया है। कोलार बेड़ागढ़ चीचली में 10 एकड़ 64 डेसिमल जमीन मेरी सीलिंग में चली गई थी 94 में सर, जिसके जाने के बाद में 24/1/18 को सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तीनों जगह से मैं जीत के इसके 24/1/18 को नामांतरण हुआ मेरा 10 एकड़ 64 डेसिमल का। इसके बाद में 25/1 को एक दूसरा नामांतरण कर दिया इन फर्जी दस्तावेजों से 5 एकड़ 55 डेसिमल का और आर के ललवानी के नाम कर दिया, जिससे और बात हुई मेरी सारी चीज इन लोगों से कि फर्जी तरीके कैसे कर दिया उनके नाम, कि उनके पास बोल रहे हैं रजिस्ट्री है उनकी 94 में आदमी सरकारी ज़मीन थी, भाई साहब सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हो सकती है। इसके बाद में मेरी बीरिस बघेल और अनिल मालवी से बात हुई, उनने ये बोला कि तुम कैसे निपटा पाओगे इसको, तो निपटा नहीं पाओगे, तुम ऐसा काम करो मुझे कितना खर्च करोगे इसमें आप, तो वो बोलने लगे कि ऐसा काम करो तुम मुझे 1 एकड़ ज़मीन और 5 लाख रुपये दे दो आप, तो 1,45,000 रुपये मैं उनको दे चुका हूँ, 3 किस्तों में की बात थी। इसके बाद में भी मैंने कलेक्टर साहब के पास गया हूँ 28/12/2021 को, इसके बाद में फिर दूसरी बार भी गया हूँ उनको, 3-4 बार मिल चुका हूँ सबसे। SDM साहब, तहसीलदार साहब ने भी मुझे बुलाया, वहाँ पे SDM साहब ने बोल दिया 72 घंटे में आपका पूरा मान लो सीमांकन कर दिया जाएगा। और इसके बाद मैं गया SDM साहब, नए SDM साहब के पास गया, तो लवानिया जी ने पहुँचाया ADM साहब ने उनके पास, तो वो भी मान लो सर मान लो डरा रहे थे मुझे कि मान लो तुम्हारी जमीन है ही नहीं कुछ भी, मैं किसका नामांतरण कर दूं, किसकी सीमांकन कर दूं। पीड़ित किसान ने बताया कि तहसील कार्यालय में किसान से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। किसान ने बताया कि अधिकारी और पटवारी कहते हैं पहले शिकायत वापस लो तब कार्य करेंगे। किसान का परिवार सभी प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी गुहार लगा चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उधर किसान अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इधर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसकी जांच कोलार SDM क्षितिज शर्मा को सौंपी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।